देखिए गाइस, ये मंदिर के आजू बाजू का नज़ारा है जो कि अपने आप में बला की खूबसूरत है। देखिए राना घर, ये ट्रैक्टर को देख के तो घर की याद आ रही है। ये एकदम गांव वाली फीलिंग ना। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए कुत्ते हैं, छोटे छोटे कुत्ते हैं, छोटे नहीं काफ़ी बड़े हैं, दूर से मुझे छोटे लग रहे थे। यहाँ पे लोग आते हैं, इनको बिस्किट देते हैं, साथ में रख उसको। और ये देखिए ये रास्ता है, इस रास्ते से हम आए, ऑटो बहुत इजीली आ जाता है। ये देखिए गन्ना। गन्ने का झाड़। अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए आजू बाजू में यहाँ पे सिर्फ़ यहाँ पे सिर्फ चिड़ियाँ बोल रही हैं और बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ है। ऐसा लग रहा है बस यहाँ बैठे रहें। मैं आती हूँ तो काफ़ी समय मैं यहाँ बैठती हूँ। बहुत ही सुकून महसूस होता है यहाँ पे। तो देखिए झाड़ को देखिए, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ये इतना बड़ा झाड़ है। और नारियल भी है, नारियल के बहुत खूबसूरत हैं सब झाड़, बहुत सारे झाड़ हैं यहाँ पे नारियल के। और आगे एक्चुअली बैकग्राउंड में बहुत कुछ है, मैं कितना बताऊँ आपको। ये है हमारी तुलसी माई, तुलसी माँ तू सब जाने, कुछ और न मैं जानूं, चरणों में शीश झुका के मैं सबका भला मांगूं। मैं सिंगर ही बन जाऊंगी। आवाज़ तो मेरी बहुत ही बेकार है, बट मैं ट्राई करती हूँ। देखिए गाइस बहुत दूर तक है एक्चुअली, मैं जहाँ तक लेके जाऊंगी कैमरा वहाँ तक इसका कोई एंड नहीं है, जितनी बड़ी जगह में ये मंदिर है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत समय तक हम रुक नहीं सकते क्योंकि अभी शाम का वक्त है और हमें निकलना है दर्शन करके, तो बहुत सारी जगह है। आप देख लीजिए कि जितना कैमरा में कैद हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा मतलब ये बहुत ही अद्भुत जो है यहाँ का जितना भी नज़ारा है सब बहुत अद्भुत है। और जितनी दूर तक देखेंगे उतना ही मतलब उतने ही ज़्यादा लंबी जगह तक ये पूरा दिखाई देगा। फ़िलहाल देखिए ये कितना सुंदर झाड़ है, यहाँ के ये सब फूल है छोटे छोटे। और ये झाड़ देखिए, देख रहे हैं जो झाड़ मैंने आपको दिखाया था कि ये बहुत ही बड़ा झाड़ है, जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक है। ये उसके फूल हैं। और ये फूल देखिए आप, फूल